إن الحمد لله نحمده ونستعين نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى الآخر وقال تعالى في موضع آخر ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لا تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं तहदिल से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मुझ जैसी हकीर बंदी, आप जैसे मुअज्जिज़ बंदियों के सामने जिस उनवान पर लबकुशाही करना चाहती हैं वो है उम्महातुल मुमिनीन, मोमिनों की माओं के ताल्लुक से एक सिलसिला चला आ रहा है। उनमें से एक मखसूस शख्सियत के ताल्लुक से मैं आपके सामने बात रखना चाहती हूँ। वो मखसूस और ख़ास शख्सियत जिसके बारे में कहने सुनने का हमें जो मौका मिला है वो है सादा बिनत जमा رضی اللہ عنہ। میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے مجھ کو مجھ جیسی حقیر بندی کو یہ موقع دیا کہ میں ان معزز ہستیوں کے تعلق سے اپنی زبان کو تر رکھوں। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के भेजे गए सभी अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस अपने आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी मेहनतों और मशक्कतों से हम तक ये दीन पहुंचा है।
पढ़ती हूँ दरूद, मैं आप भी पढ़िए दरूद। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ثم الحمد لله ألف الحمد لله الله رب العزت का फरमान है, वो जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। जैसा कि हदीस मुबारक में है, मन युरिद अल्लाह खैरन युफक्कहु फिद्दीन, जिसके साथ वो भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। मैं और आप उन बाइज्जत और खुशनसीब शख्सियत में से हो गए हैं जिसे रब्बुल इज्जत ने ये मौका इनायत किया कि हम दीन की समझ सीखें, समझें और दूसरों तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। सबसे पहली चीज कि अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा किस लिए, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, कि मैंने रसूलों को हर कौम में एक रसूल को भेजा ताकि वो लोगों को क्या करें, तागूत से बचाकर अल्लाह की तौहीद तक ले जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बिअसत का वाहिद मकसद तौहीद की दावत लोगों तक पहुंचाना और लोगों को राह रास्त पर रखना, ये मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुछ एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब मर्दों के लिए आइडियल मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो फिर औरतों के लिए आइडियल कौन है? औरतें यानी कुछ मामलात ऐसे होती हैं जिसमें औरत और मर्द अलहदा होते हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें औरतों के अलग मसाइल और मर्दों के अलग मसाइल होते हैं, कुछ मामलात जिसमें हम औरतों को किसको आइडियल मनाना होगा, किसके नक्शे कदम पर हम अपनी जिंदगियों को सवारेंगे सुधारेंगे, किसकी बताई हुई बातों को सुनकर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, किसकी सीरत तय्यबा को पढ़कर हम अपने आप को और अपने घर वालों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को सवारेंगे सुधारेंगे। आइए, वो खुशनसीब हस्तियां यही हैं जिनको, जिनकी सीरत पढ़कर, जिनको अपनाकर हम अपनी जिंदगियों को खुशगवार बना सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मोमिनों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजीम शान एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब हिकमत की जो तालीम दी है उस पर अमल पैरा होकर हम जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं और दीन के जुमला अहकाम को जो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह कर दिया है उस पर चलकर हम जहन्नम से बच सकते हैं। आपके बाद आपके जाननिसार जो रह गए यानी सहाबा सहाबियात और बतौर खास उम्महातुल मुमिनीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से उम्मत को रोशन किया और उम्मत को वो चीजें बताई जो आम लोगों से मख्फी थी, छुपी हुई थी और उन मामलात का कोई दूसरा जरिया नहीं था। अगर उम्महातुल मुमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ना होती तो शायद ही ये दीन यहां तक पहुंचता, क्योंकि जिस तरह सहाबा का किरदार अहदीस को पहुंचाने में
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बताने में जिस तरह सहाबा ने मर्दों ने काम किया, उसी तरह सहाबियात में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अजवाज जो हमारे लिए उम्महात है, उन्होंने भी ये किरदार बखूबी अंजाम दिया। उम्महातुल मोमिनीन की इस एतबार से बड़ी फजीलत है कि उनका घर वही इलाही और हिकमते रब्बानी का गहवारा था, क्योंकि उनके घरों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो उन पर वही वहीं पर नाज़िल होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला की हिकमतें उनके घरों में नाजिल होती जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घरों में हुआ करते थे। ये औरतों को तालीम दिया करती थी, उनके जो मसाइल होते, औरतों की जो मसाइल होते, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाया करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब लेकर उन तक फिर उनके सवालों का जवाब पहुंचाया करती थी। अल्लाह ताला ने इनके हिकमत में, इनके इज्जत में फरमाया है सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 में, लस्तुन्न कअहद मिनन निसा। इनकी फजीलत में रब्बुल इज्जत ने कुरान में हज्जत कायम कर दी, कहा तुम तमाम औरतों जैसी नहीं हो, यानी तुम सबसे अलग फरमाकर उनका दर्जा एक औरत से बालातर बना दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सकीने खल्ब थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का सुकून थी, उनके दिलों में आप सल्लम की मोहब्बत भरी हुई थी और आपके दिल में भी उनके लिए मोहब्बत थी। उन्हीं की शान में अल्लाह ताला ने एक और जगह सूरतुल अहज़ाब ही की आयत में फरमाया, वखरुना फी बुयूतिकुन वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल औला وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, नबी की बीवियों तुम अपने घर को दारे करार पकड़ो, अपने घरों को रहने की जगह समझो और वहां पर मुस्तकीम रहो, और जाहिलियत की जो रसूम और रिवाज है उसे कभी मत अपनाना। वह अकीम नस्सलात, नमाजों की पाबंदी करना, वह आतीन ज़का और ज़कात अदा करना, वअतीन अल्लाह व रसूलह और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। इसी तरह की बहुत सारी आयतें अल्लाह ताला ने उम्महातुल मुमिनीन के लिए खास तौर पर नाजिल फरमाया है। उम्महातुल मोमिनीन की बहुत सारी खूबियां हैं, उनकी इम्तियाजी फजाइल बहुत सारे हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अहललना लक अज़वाजक अल्लाती आतीना उजूरहुन। उनकी पहली इम्तियाजी फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की तमाम औरतों से उनका इंतखाब किया, किस लिए? बहैसियत बीवी के अपने सबसे महबूब बंदे के लिए, अपना यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो महबूब बंदे हैं मोहम्मद
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुअज़्ज़म है, मुहतरम है और तमाम औरतों में इनको इंतखाब किया और तमाम पैगंबरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया। और इसके साथ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुअज़्ज़म बंदे हैं, इतने मुहतरम बंदे हैं अल्लाह की नजर में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन उस मुअज़्ज़म और महबूब बंदे के लिए इन औरतों को चुना, इस वजह से इनकी फजीलत और बढ़ जाती है। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपकी वो बीबियां हलाल कर दी हैं जिन्हें आपने उनके मेहर अदा कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, तमाम दुनिया वालों के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया करार दिया। अंबिया यानी सिर्फ लोगों के नहीं, अंबिया के भी इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए गए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा इतना ऊंचा है, तो उनकी बीवियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इसी तरह मुकाम व मर्तबा अता किया। बहुत सी जगह नबी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बीवियों को इंतखाब करके उनसे मुखातिब होकर कहा, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक या निसाइन नबी, ऐ पैगंबर की बीवियों, ऐ नबी की बीवियों, इस तरह कहकर अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह के अल्फाज से मौसूम करके नबियों नबी की बीवियों की यानी उम्महातुल मुमिनीन हमारी माओं की इज्जत को बढ़ा दिया है। ये उनकी इम्तियाजी खूबियों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की एक और खसूसियत इम्तियाजी यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दुनिया की तमाम खवातीन से अफजल व अशरफ करार दिया है। और वाज़े अल्फाज में उन्हें यह खिताब भी अता फरमाया कि ऐ पैगंबर की बीवियों, ऐ पैगंबर की बीवियों कहा, और मुकाम व मर्तबे के एतबार से तुम दुनिया की आम औरतों की तरह नहीं हो, बल्कि तुम्हारा मुकाम व मर्तबा दुनिया की तमाम औरतों से बुलंद व बरतर है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, अली या अय्युहन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिन निसाई इन तखैतुन वला तखदुना बिल कौल इला आखिर। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नर्म लहजे से बात ना करो कि जिसके दिल में रोग हो वो कोई बुरा ख्याल करे। और हाँ, कायदे के मुताबिक सलाम कलाम किया करो। एक मोमिन और मुसलमान होने के नाते हमारा अकीदा यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां पूरी उम्मत की माएं हैं, और हर मुसलमान पर जरूरी है कि वो रसूल करे रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजवाज मुतहरात को अपनी माँ समझे और उन्हें हर तरह की बुराई से पाक समझे। उनमें सबसे अफजल तरीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा है, जिनकी बरात का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमा दिया है। लेकिन तमाम अजवाज मुतहरात, इनके ताल्लुक से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयतें नाजिल कर हुज्जत कायम कर दी है, लेकिन इसके अलावा भी
जिनके ताल्लुक से हमें अहदीस से पता चलता है, तो ये तमाम बीवियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक थी और मुअज्जम थी, अफजल तरीन थी, अहमियत वाली थी। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनको कुरान मजीद में या निसा उन नबी की इस तरह के अलकाब से पुकारा है। अगर कोई शख्स इनको उन चीजों से बरी नहीं समझता, यानी अगर कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ताल्लुक से कुछ बुरा इरादा अपने जहन और दिमाग में रखता है, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ने उनको बरी करार दिया है, तो उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार कर दिया। अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की अच्छे होने का इनकार करता है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उनके बरी होने का इनकार करता है, तो क्या फरमाया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही इनकार करता है। अल्लाह, तो यहाँ इस चीज से हम ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका मुकाम व मर्तबा किस तरह रखा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं, जिसने उनका इनकार किया अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी इनकार कर दिया। क्योंकि रब्बुल इज्जत ने उनकी बराअत का ऐलान अपने कुरान, अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास से हम मुसलमानों तक पहुंचता है, उस कलाम ने रब्बुल आलमीन ने उनकी बराअत का ऐलान कर दिया है। इससे भी हमें पता चलता है कि उनकी इज्जत, उनका मकाम व मर्तबा क्या है। इसी तरह एक और इम्तियाजी फजीलत इनकी ये है कि वही इलाही, इस तरह मैंने पहले भी कहा, वही इलाही उन्हीं के घरों में नाजिल होती थी और उन्हीं के घरों से कुरानी आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रिसालत आई, उसकी किरणें पूरी कायनात में फैली। अल्लाह ताला खुद उनकी इस अजमत शान का तذکرہ करते हुए फरमाता है, वذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا। और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें, तुम्हारे घरों में, यहाँ पर बुयूती कुन्ना कुन्ना की जो जमीर इस्तेमाल हुई है, वो तमाम अजवाज मुतहरात के लिए है, चाहे वो हजरत खदीजतुल कुबरा हो, चाहे सौदा बिनत जमाए हो, चाहे आयशा बिनत अब्दुल अबू बकर हो रजी अल्लाह अन्हुमा, इन सब के लिए। वदकुरना मा युतला फी बुयूती कुन्ना कुन्ना की जो जमीर इस्तेमाल हुई, सब के लिए। और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस पढ़ी जाती हैं, उनका जिक्र करती रहो, वदकुरना जिक्र करती रहो, बेशक अल्लाह ताला हमेशा से निहायत बारीकी का जानने वाला और बाखबर है। इस आयत की तफसीर में मोहम्मद बिन जरीर रहमुल्ला अलैह फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को खिताब करके फरमाया है कि ए नबी की बीवियों, अल्लाह की जो नेमत तुम पर है उसे तुम याद करो कि उसने तुम्हें उन घरों में जगा दी जहां अल्लाह की आयात और हिकमत पढ़ी जाती हैं, तुम्हें अल्लाह ताला की इस नेमत पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी हम्द व सना हमेशा करनी चाहिए, उसके जिक्र से अपनी जुबानों को तर रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें ऐसे घर अता किए जहां पर अल्लाह की
तरफ से आयतों का नुजूल, अहदीस का नुजूल हुआ करता है, जहां पर फरिश्ते तुम्हारे घरों में वही लेकर नाजिल होते हैं। क्या खुशनसीब थी वो औरतें। क्या खुशनसीब है वो माएं जो जिनके घरों में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है। आज यहां रुक कर हम अपने आप का जायजा करें। आज हमारे घरों में न जाने कुरान कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ होता है। इन आयतों की हम न ताजीम करते हैं, न तकरीम करते हैं, ना ही हम उस कुरान की इज्जत करते हैं। हाँ, रबुल इज्जत ने उनको मुअज्जज व मुकर्रम तो बनाया है, लेकिन हमें भी तो कहा है कि तुम अगर किसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजात है, यानी तमाम उम्मतियों की माए है। तो सोचे मैं और आप यहां पर ठहर कर कि ऐसी औरतें, उनके घरों में तो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ करता था, क्या आज हमारे घर अल्लाह के कलाम से खाली हैं? नहीं, हमारे घरों में भी अल्लाह का कलाम पड़ा हुआ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अल्लाह के कलाम को दोहराया करती थी, पढ़ा करती थी, अपनी जिंदगी का अहम मकसद कुरान की तालीमात को दिया समझती थी, अहम मकसद उसकी तालीमात को हासिल करना, उसके नशर शायद करना, उस पर अमल पैरा होना, और उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद अल्लाह की इबादत करना था। लेकिन आज हमने, अल्लाह करम करे, अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो आज के माहौल में हमें मालूम नहीं है तो सिर्फ अज़वाज मुतहरात नहीं मालूम, अगर हमें मालूम नहीं है तो मुअज्जज व मुकर्रम सहाबियात के नाम नहीं मालूम, अगर आज मालूम नहीं है हमें, कुछ चीज का इल्म नहीं है, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या है? अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? वो नहीं मालूम। अफसोस सद अफसोस आज के इन मुसलमानों पर कि सहाबी किसे कहते हैं वो भी पता नहीं, नबी और रसूल में फर्क क्या है वो भी पता नहीं, सहाबियात किसे कहते हैं वो भी पता नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे, दादा कौन थे, ये हमको पता नहीं। सीरत से हम बहुत दूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी, बस ये मालूम। इस पर चर्चे निकलते हैं, और जब गैर कौम का कोई शख्स हमें कहता है कि आपके नबी ने ग्यारह शादियां की और आप लोगों को हुक्म दिया कि चार शादी करें, तो ये कहाँ का इस्लाम है? तो हम फौरन से उस पर बोल लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान होने के बावजूद, वो तो गैर है, वो तो कहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद, हम कलमा गो होने के बावजूद, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम तनकीर खड़ा करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज इस्लाम बदनाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आपको हक नहीं है, आपने सीरत की तालीम हासिल नहीं की, आपने नहीं देखा कि वो नबी जिन्होंने कभी 11 बीवियां होने के बावजूद किसी बीवी में कोई तफरीक नहीं किया, कभी उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं आया, कभी किसी की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई, कभी किसी की बारी या फिर किसी के बारी होने या ना होने में कोई फर्क नहीं आया। और ऐसे नबी के ताल्लुक से इस तरह आप नहीं कर सकते। जब तक आपने उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को नहीं पढ़ा, कोई बीवी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों में से कोई एक ऐसी बीवी, ऐसी अजवाज, ऐसी जौजा नहीं है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी कोई शिकायत की। आज मेरे और आपके नबी को गाली दी जाती है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उसे सजा देने वाला है जरूर बसरूर, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हम जानेंगे यूट्यूबर्स कौन है, व्लॉगर्स कौन है, सब हमको पता है। किसका नाम क्या है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, हमको हर चीज से आगाही है। हमको नहीं पता तो सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन नहीं पता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बुराइयां बयान करना शुरू कर देते हैं कि नहीं करना चाहिए था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादियां। क्या आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक किया? ऐसे ही नहीं बन गई उनकी बीवियां, उम्मत की माएं इसी तरह नहीं बन गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तारीफ की है, या निसाउन नबी, या फिर जिस तरह के भी अल्फाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को खिताब करके कहा है, ऐसे ही नहीं कह दिया। वो इस लायक थी। जब आप पढ़ेंगे इनकी बीवियों के ताल्लुक से, जब आप उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, तब आपको पता चलेगा, तब आप अपनी जुबान से ये अल्फाज नहीं कह सकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां कर कर गलती की। और आपको हक नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर डाला है। वो अल्लाह और उसके रसूल का अपना मामला है, हम कोई नहीं होते कि उनके ताल्लुक से कुछ कहें। दीन की समझ पहले हासिल करें, उसकी तालीमात को जानें और इसके बाद उस पर तनकीद करें, तब तक हमारे लिए कोई चीज का हक नहीं बनता। और ये तो हमारी माएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान और करम है हम पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां की हैं, जो भी अजवाज बनाई हैं, हर एक जौजा से हमें कोई ना कोई तालीम मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी तालीमात पर चलकर हम अपनी जिंदगी को संवार और सुधार सकते हैं। हम जिंदगी भर यूट्यूब में लगे रहें, किसी और की बायोग्राफी में लगे रहें, तो हम उम्महातुल मोमिनीन की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें चाहिए कि हम उनकी सीरत को पढ़ें, अपनाएं। आपने सुना होगा बहुत सी बार कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये तमाम औरतें तमाम उम्मत की माएं हैं, एक बच्चे के लिए माँ उसके लिए आइडियल व नमूना होती है। एक जो माँ होती है अपने बच्चे के लिए आइडियल व नमूना होती है, क्योंकि जब बच्चा बढ़ता जाता है, उसकी सन, उसका साल जब बढ़ता जाता है, तो वो अपनी माँ को देखकर ही हर चीज को करने लगता है। जो माँ करती है बच्चा भी वही करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि ये उम्मत की माएं हैं, तो मुझे और आपको चाहिए कि इनकी सीरत को पढ़कर उन माओं की तरह हम माँ बने। एक आइडियल माँ बनना हम चाहते हैं, तो इनकी सीरतों को पढ़कर हम अपने आप की सीरत को संवार सकते हैं। आज किसी शायर ने कौल कहा, सीरतों का हुस्न क्या जाने सूरतों के भिखारी लोग। यानी आज का जो जनरेशन चल रहा है, जो माहौल आज हमारे अंदर आम है, हम कभी सीरत नहीं देखते। अगर किसी को शादी ब्याह करना है तो हम बिल्कुल उसकी सीरत नहीं देखते, वो कैसी है, उसकी चाल चलन कैसी है, वो दीनदार है नहीं है, उसके अंदर दीन है नहीं है। बस
कुछ देखा जाता है तो वो सिर्फ सूरत। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हुजरात में क्या फरमाया, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ। मैंने तुमको शुऊब कबाइल में गोशा गोशा कर कर इसलिए बांटा कि तुम पहचाने जाओ। आगे क्या फरमाया, इन अकरमकुम इंदल्लाह यतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रम व मुअज्जज इज्जतदार लोग वही है जिनके दिल में तकवा है। तकवा कहाँ से आएगा, कब आएगा, जब हम अपने आप को इनकी जिंदगियों की तरह बनाना शुरू करेंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, हम सबों को तौफीक दे कि हम इनकी जिंदगियों को अपने अंदर लादने की कोशिश करें। मेरी जुबान भी इतनी पाक नहीं होंगी शायद कि मैं इनका नाम भी अपने जुबान से ले सकूं। मेरे अंदर इतना तकवा नहीं है कि मैं इनके ताल्लुक से आपके सामने रख सकूं। ये ऐसी शख्सियत जिसके ताल्लुक से मैं आपके सामने बात रखना चाहती हूँ वो है हजरत उम्मुल मुमिनीन हजरत सौदा बिन तज़मा रजी अल्लाह अन्हा। ये ऐसी शख्सियत है जिनकी फरियाद पर रब्बुल इज्जत ने आयतें नाजिल कर दी। ये ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से आज हम पाक हैं। क्यों, वजह यह है कि ये शख्सियत ऐसी है जिसकी फरियाद पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। इसका वाकया भी हम जानेंगे। आज हम औरतें जो पर्दा करती हैं अपने आप को महफूज समझती हैं, ये इनका दिया हुआ था। अहकाम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है लेकिन फरियाद इनकी थी। सौदा बिनत ज़मा, चलिए अब इनकी ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इनके ताल्लुक से जो मैंने मुताला किया है आपके सामने हकारत के साथ रखने की कोशिश करूंगी और दुआ करूंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी इस सीरत पर इनके अखलाक पर अमल की तौफीक दे और आपको भी। सौदा बिन तज़मा, इनका नाम सौदा था। ये कुरैश के कबीले आमिर बिन लवी से थी। इनके कबीले का नाम आमिर बिन लवी है। इनका सिलसिला नसब, इनका नसब क्या था, सौदा बिन तज़मा बिन खैस बिन शम्स। जी किसी ने कुछ कहा जी, सौदा बिन तज़मा बिन खैस बिन बिन अब्द शम्स बिन अब बिन नसर बिन मालिक बिन हसल बिन आमिर बिन लवी, ये इनका सिलसिला नसब है। इनकी माँ का नाम, वालिदा का नाम समोज बिन तखैस था जो अंसार के खानदान बनु नजार से थी। मुहाजिर और अंसार किसे कहते हैं पता है ना आप लोगों को, मुहाजिर जो हिजरत करके मदीना गए उनको मुहाजिर कहेंगे और अंसार जो पहले से वहीं पर थे। तो ये अंसार के खानदान बनु नजार से थी सौदा बिन तज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ। हज़रत सौदा का पहला निकाह अपने चचाज़ाद भाई हज़रत सकरान रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अम्र से हुआ। सकरान, इनके पहले शोहर का नाम सकरान बिनते अमर। अल्लाह ताला ने
हज़रत सौदा रजी अल्लाह अन्हा को निहायत सालेह तबीयत अता की थी, बहुत ही नेक शख्सियत। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक का आगाज किया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी, तो उन्होंने फौरन इस पर लब्बैक कहा। यानी अव्वलीन जो इस्लाम कबूल करने वाले थे उनमें से हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ भी थी। उनकी जो फितरत थी बहुत ही नेक थी, सालेह थी। जब भी तौहीद की दावत उनके सामने रखी गई तो उन्होंने मिन वाइन तस्लीम कर लिया बिना छूं चरा, और उनके जो शहर थे सकरान बिन अमर, वो भी बहुत ही सईदुल फितरत, अच्छी फितरत वाले इंसान थे, उन्होंने भी इनके साथ ही इस्लाम कबूल कर लिया। हबशा की जो दूसरी हिजरत हुई उसमें हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत सकरान भी दूसरे मुसलमानों के हमरा उनके साथ हबशा की तरफ हिजरत कर गए और कई बरस वहां रहकर मक्का वापस लौटे, और जहां रहकर चंद दिनों बाद हजरत सकरान की वफात हुई रजी अल्लाह अन्हा, और हज़रत सौदा रजी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई। ये उनके शौहर के साथ की जिंदगी थी जो उनके पहले शौहर थे। ये जिंदगी वहां तक हो गई और हज़रत सौदा रजी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई। और अब जब हज़रत सौदा रजी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई, ये वो जमाना था जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने भी वफात पाई थी, बिन मां की बच्चियों को देख देख कर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, इसके बाद की हालत शायद आप लोगों ने सुनी है लास्ट लेक्चर में, बारकल्लाहु फीकुन। तो जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, उनकी वफात हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहा करते थे, अफसरदा हुआ करते थे, गमगीन रहा करते थे, बल्कि उसको तो गम का साल कह दिया गया। अल्लाह अकबर। वो बीवी भी ऐसी थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम को भी ऐसा बना दे। तो इस तरह जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा ने वफात पाई थी, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद, यानी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा की औलाद जो थी, उनकी बच्चियों को देख देख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत एकदम अफसरदा हुआ करती थी, गमगीन गमसार रहा करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिन्नसा सहाबिया जिसका नाम हज़रत कौला है, कौला बिन्त हकीम है, उन्होंने एक दिन बारगाह नबवी में अर्ज किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए रसूल, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद मैं हमेशा आपको मलूल देखती हूँ, यानी एकदम बेचैन सा देखती हूँ, गमगीन सा अफसरदा देखती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, घर का जो इंतजाम है वो बदल गया, और बच्चों की तरबियत वो नहीं हो रही है, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ही तो उनकी परवरिश करती थी, उनकी तरबियत बच्चों की सबकी तरबियत उनके सुपुर्द थी। इस तरह कहकर नबी सल्लम खामोश हो गए। फिर हजरत खौला रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, तो फिर आप सल्लम
आपको तो एक गम गम सा जो आपसे गम बांट सके ऐसे रफीक और दोस्त की जरूरत है। मशवरा दिया हजरत खौला रजी अल्लाह ने, फिर खुद उन्होंने कहा अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपके निकाह यानी निकाह सानी के लिए मैं एक पाकीजा औरत को ढूंढ लूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब हाँ में दिया, मंजूर फरमा लिया उनकी शर्त। हजरत खौला रजी अल्लाह अब हजरत सौदा के पास तशरीफ ले गई, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले ली और फिर हजरत खौला रजी अल्लाह हजरत सौदा रजी अल्लाह की दोस्त थी, सहेली थी। फिर उन्होंने हजरत सौदा के पास तशरीफ ले गई और उनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश बयान की। हजरत सौदा ने खुशी का इजहार किया और खुशी से झूम उठी, फरमाया हरम नबवी बनने के लिए मैं रजामंद हूं। इजहार रजामंदी की कि मैं तैयार हूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरम यानी बीवी बनने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके वालिद जमा जो सौदा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद थे जमा ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कबूल किया और अपने लख्त जिगर का निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दिया। अब आए निकाह किसने पढ़ाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया, उनके ससुर यानी हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा के बाप जमा ने खुद रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाया और हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना महर दिया, 400 दिरहम। 400 दिरहम महर दिया। इसके बाद हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा के पहले जो शोहर थे हजरत सकरान, उनसे उनका एक बेटा था जिनका नाम अब्दुल्ला था। निकाह के बाद उनके साहबजादे यानी वही अब्दुल्ला घर तशरीफ लाए, वो अभी तक मुशव्वर इस्लाम नहीं हुए थे, इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। इस निकाह का हाल सुनकर सख्त गमगीन रंजीदा हो गए और सर पर खाक डाल ली और बहुत गमगीन हुए। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तब वो सारी जिंदगी अपने हाथ मलते रहे कि मैंने कितनी बड़ी नादानी की। उस वक्त जो रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी माँ का निकाह हुआ तो मैंने बहुत ज्यादा रंजीदगी का इजहार किया था, इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा अफसोस किया। और इस निकाह में हजरत सकरान रजी अल्लाह अन्हु जो थे उनके दो भाई मौजूद थे, उनके दो भाई की मौजूदगी में ये निकाह हुआ था और ये निकाह रमदान 10 हिजरी बाद बिसत यानी बिसत के बाद हुआ, 10 हिजरी में हुआ। इस तरह हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले दो ख्वाब देखा था उन्होंने। ज़खानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अपने पहले शोहर की मौजूदगी में उनकी जिंदगी में जब वो उनकी जिंदगी में थी उस वक्त
एक दफा हजरत सौदा रजी अल्लाह उन्होंने ने ख्वाब में देखा कि तकिए के सहारे लेटी हुई हैं, कि आसमान फटा और चांद उन पर गिर पड़ा। किस पर? हजरत सौदा। उन्होंने ये ख्वाब हजरत सकरान से बयान किया रजी अल्लाह उन्हों, तो वो बोले, वो उसकी ख्वाब की ताबीर बता दिए थे। इस ख्वाब की ताबीर ये मालूम होती है कि मैं अनकरीब फौत हो जाऊंगा और तुम अरब के चांद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आओगी। अल्लाह अकबर। निकाह से कबल उन्होंने ये ख्वाब देखा था और वाकई उस ख्वाब की ताबीर चंद दिन में पूरी हो गई। इसी तरह हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी करार दिया जाता है, लेकिन बाज रिवायतों में है, बाज रिवायतों के मुताबिक हजरत खदीजतुल कुबरा की वफात के बाद हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, और बाज रिवायतों के मुताबिक ये है कि हजरत खदीजतुल कुबरा के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। निकाह सानी हजरत आयशा से हो रजी अल्लाह अन्हा, लेकिन इसमें इख्तलाफ है, इख्तलाफी मसाइल में हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इख्तलाफी मसाइल में पढ़ने से बेहतर है हम अपने आप को समझें। तो इस तरह हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ 13 हिजरी 13 हिजरी बाद बिसत, बिसत के बाद हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गई, तो वहां से हजरत अबू राफे और जैद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, तो वहां से हजरत अबू राफे और जैद बिन हारिस को मक्का भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए, वहां से हजरत अबू राफे और हजरत जैद बिन हारसा को मक्का भेजा कि हजरत फातिमा तो जहरा उम्मे कुलसुम और हजरत सौदा वगैरह को साथ लेकर आए, चुनाचे वो सब भी हजरत जैद बिन हारसा और अबू राफा के हमरा मदीना हिजरत कर गए। तो इससे एक एजाज ये भी है कि ये मुहाजरीन में से भी थी। मुहाजिर जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दिया, बशारतें दी हैं मुहाजिरीन और अंसार के लिए, अल्लाह उन पर रहमतें और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इसी तरह जो मैंने आपके सामने बात रखी थी कि हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा की ख्वाहिश पर पर्दे के जो अहकाम थे वो नाजिल हुए हैं, आयत हिजाब के नुज़ूल से बेशतर हजरत सौदा खजाए हाजत वगैरह के लिए बाहर तशरीफ ले जाती थी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का ख्याल अन्हों का ख्याल था कि अजवाज मुतहरात को बाहर ना निकलना चाहिए, जो नबी की बीवियां हैं उन्हें घरों में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए इसके लिए वो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अर्ज कर चुके थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। एक दिन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा क्या की, वो खजाए हाजत के लिए निकली, जंगल की तरफ जा रही थी कि रास्ते में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा मिल गए। कहा हजरत सौदा का मतलब हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा की खद जो है वो लंबी थी, वो खद में लंबी थी और पहचानी जाती थी, जो भी देखता तो पहचान लेता कि ये सौदा रजी अल्लाह अन्हा, क्योंकि उनका खद लंबा बाला था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें पहचान लिया और कहा, ए सौदा तुमको हमने पहचान लिया है, सिर्फ इतने अल्फाज कहे, सौदा तुमको हमने पहचान लिया है। हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा को
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का ये जुमला बहुत सख्त और नागवार गुजरा। वो अंदर से बुरा महसूस कर रही थी और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शिकायत की। सही बुखारी में ये वाकया है और सही बुखारी की ही ये रिवायत है कि इसके बाद ही, इस वाकया के बाद ही आयत हिजाब नाजिल हुई और तमाम खवातीन पर्दे की पाबंद हो गई। और वो आयत कौन सी है जो मैंने खुद मसनूना में तिलावत की है? वो आयत सूरत नूर की है, आयत नंबर 31। कौन सी आयत? वकुल للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और ईमान वाली औरतों से कह दो, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपने इज्जत की हिफाजत करें, यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें, अपनी जीनत को जाहिर ना करें, मगर जो जगह उसमें से खुली रहे रह सकती है, यानी जो सतर के अलावा जो चीज, यानी हाथ कलाई तक और पैर। लेकिन हिजाब के मसले में गए तो बात लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ इस आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने रख दूंगी। जिस तरह जीनत को जाहिर ना करें मगर जो जगह उसमें से खुली रहती है रह सकती है, और अपने दुपट्टे यानी अपनी ओढ़निया अपने सीनों पर डाले रखें, और अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर अपने शोहर या अपने बाप या अपने खाविंद के बाप, अपने बाप अपने खाविंद के बाद बाप यानी ससुर, और अपने पांवों को जमीन पर जोर से ना मारे कि उनका मख्फी जेवर मालूम हो जाए। और ऐ मोमिनों, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम नजात पाओ। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई, ये आयत हिजाब के नाम से मशहूर है, जो कि हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा की ख्वाहिश और उनकी जो दिली तमन्ना थी उस पर नाजिल हुई है। तो इसमें जो बात बताई गई कि औरतें अपनी निगाहों को नीची रखें, अपने इज्जतों की हिफाजत करें, अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो जिसके सामने जाहिर करना हो सिर्फ उसी के सामने जाहिर करें, और अपने दुपट्टे को अपने सीनों पर, वलियदरिबने बिकुमूरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, अपने दुपट्टे को अपने सीनों पर डाले रखे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यहां ये नहीं बताया, देखिए पहले वाली आयत में बताया गया, पहले वाले जुमले में बताया गया कि हिफाजत करें, अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो जगह जाहिर कर सकते हैं कर सकते हैं अपनी जीनत को, ठीक है, अपनी जीनत को जिस जगह यानी अपने महरम के सामने जाहिर कर सकते हैं। लेकिन यहां जो बात बताई गई, अपने सीनों पर ओढ़निया ओढ़े रखें, लेकिन इसके आगे ये नहीं बताया गया, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी जिसके सामने महरम के सामने भी दुपट्टा ओढ़ना है अपने सीनों पर, बाप है भाई है जो भी अपने महरम है उनके सामने भी दुपट्टा सीनों पर ओढ़ कर रहना है, ये आयत कह रही है। और अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर अपने शोहर या अपने बाप या खाविंद के बाप, और अपने पांवों को जमीन पर जोर से ना मारें कि उसकी जाहिरी जीनत जाहिर हो जाए, उसकी मख्फी जीनत जाहिर हो जाए। मख्फी जीनत अपने पैर की जो भी मख्फी जीनत है वो जाहिर हो जाए, इस तरह यानी जो जेवर जेवरात पहने हुए होते हैं पैर में, तो उसमें इस तरह आवाज नहीं आनी चाहिए कि उससे किसी और को हम मायल कर दें। और ऐ मोमिनों,
तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम नजात पाओ। यह मेरे और आपके लिए है। जब हज़रत सादा ने ख्वाहिश की, दिली तमन्ना की, तो उस उन उनके जरिए से हम तक ये आयत पहुंची। जो कुरान की आयतें हैं वो उम्महातुल मुमिनीन से लेकर दुनिया की हर औरत के लिए है, हर मुसलमान औरत के लिए है ये आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इस पर अमल करने वाला बनाए। इसी तरह हज़रत सौदा का मिजाज रज़ियल्लाहु अन्हु तेज मिजाज वाली थी। उनका मिजाज जो था वो तेजी से तेजी वाला था, तेज थी लेकिन बहुत नर्म दिल भी थी। जल्दी गुस्सा आ जाया करता था लेकिन बहुत नर्म दिल थी, बहुत जल्दी उनका गुस्सा भी चला जाता था। इब्न सईद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि कभी कभी वो जानबूझकर बेढंगेपन से चलती थी, बेढंगेपन से चलती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो हंस पड़ते थे। एक दिन रात को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ लेकर नमाज पढ़ा, हो सकता है क़ियामुल लैल हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबी, यानी बहुत देर तक लंबा रुकू किया। सुबह हुई तो कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को नमाज में आपने इतनी देर तक रुकू किया कि मुझे अपनी नकसीर फूटने का अंदेशा हुआ, यानी नाक से जो खून बहता है वो, तो नकसीर फूटने का अंदेशा हुआ, चुनांचे में बड़ी देर तक अपनी नाक को सहलाते रही कि मेरी नाक से खून ना निकल जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये बात सुनकर मुतबस्सुम यानी मुस्कुराने लगे। इस तरह हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सखी थी, रहम दिल, निहायत रहम दिल थी। जो कुछ उनके हाथ में आता था उसे निहायत दरिया दिली से अल्लाह की राह में हाजतमंदों में तकसीम कर दिया करती थी। हाफिज इबन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत सौदा इस्तकार यानी कारीगर थी और तौइफ की खालें जो आती थी बनाया करती थी, तौइफ की खालें बनाया करती थी। किस लिए? वजह क्या थी उनके जो बनाने की? वो जो कारीगरी करती थी उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उससे जो भी माल या आमदनी उनको आती थी, जो भी माल उन्हें मिलता था उससे वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करती थी। देखिए यहां रुक के हम सोचें, सिर्फ वो काम करती थी रब्बुल इज्जत की राह में खर्च करने के लिए, ताकि उनका पैसा कुछ हो, वो अल्लाह की राह में कुछ दें, ये कर्ज हो जाए जो अल्लाह को हम दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मन अल्लज़ी युक़रिदु अल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो मुझे बेहतरीन कर्ज दे जिसको मैं बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें बाद में दूं। इस आयत के लिए हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कुछ काम ऐसा हो जो सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए हम निकालें। कुछ भी हो, चाहे वो पैसे खर्च करने के मामले में हो, चाहे कुछ भी हो, कोई तो नेकी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह, जो आमदनी उसे मिलती थी उन्हें मिलती थी उससे, जो वो काम कारीगरी दस्तकारी करती थी उससे जो भी आमदनी उन्हें मिलती थी वो सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करती थी। सुभान अल्लाह। इनकी सखावत के ताल्लुक से एक और वाकया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने एक दफा क्या किया, इनके खिदमत में दिरहमों की थैली भेजी, हदीयतन भेजी। उन्होंने पूछा इसमें क्या है, लोगों ने बताया कि दिरहम है, दिरहम है जो आपके लिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हदीयतन भेजा है।
तो वो बोली, इन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा बोली कि थैली में खजूरों यानी थैली में खजूरों की तरह दिरहम भी जाए, इस तरह उन्होंने सवाल किया। ये कहकर तमाम दिरहम जरूरतमंदों में इस तरह बांट दिए जिस तरह खजूरें बांट दी जाती है। अल्लाह हो, मैं और आप होती तो इस तरह कभी ना करती। यही है हमारे लिए इनमें आइडियल और नमूना। इसीलिए हमको इनसे कुछ सीखना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगियों को बदलें, हम अपने अंदर कुछ बदलाव लाएं, क्योंकि दुनिया का हर अमल फानी है। खासकर मैं सदके के बारे में बात करूं तो क्या फरमाया, बहुत सारी अहादीस सदके के ताल्लुक से आई है, खैरात सदके के ताल्लुक से। एक हदीस में कहूँ आपके सामने, क्या फरमाया कि जो कुछ तुमने खाकर खत्म कर दिया है वो तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारा माल वही है जो, हाँ सुनिए, तो तुम्हारा माल वही है जो तुमने खा कर खत्म कर दिया और जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया वही तुम्हारा माल है, यानी जो आपको फायदा देने वाला है वो, बाकी सब तो बेकार है। हम चाहे ढेरों माल लगा लें, ढेरों माल जमा कर लें, लेकिन हमारे साथ आने वाला हमारा सिर्फ सदका जारिया है। अल्लाह हमारे अंदर भी ये सखावत अता कर दे कि हम सखी बन जाएं और अल्लाह की राह में जरूरतमंदों तक अपना माल पहुंचाने वाला हमें बना दे। आमीन। सदके की बहुत ज्यादा फवायद है, सदका करने से हर बला टल सकती है सिवाय मौत के। इस तरह के बहुत ज्यादा फवायद है, अल्लाह हम सबको भी सदका करने वाला बना दे। चुनांचे हजरत सौदा का यानी सौदा की रजी अल्लाह अन्हु की एज जो थी वो ज्यादा हो चुकी थी और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु अभी नौम्र थी, छोटी उम्र की थी। इनकी सखावत देखिए, ये भी एक सखावत है। क्या किया इन्होंने, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की जो कम सिन थी वो कम उम्र की थी, उन्होंने अपनी बारी भी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को दे दी थी, जो उन्होंने खुशी से कबूल कर ली। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बहुत ही खुशी से उनकी बारी कबूल कर ली। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का कौल है, कहती है कि मैंने किसी औरत को जज्बे रिखाबत से खाली ना देखा, सिवाय सौदा के रजी अल्लाह। और फरमाया हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा, ये किसकी जबानी है, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा किसके बारे में कह रही है, अपने शोहर की एक दूसरी बीवी के बारे में। अल्लाह अकबर, इतने अच्छे अल्फाज, सुभान। यही तो हमें तालीम मिलती है अजवाज मुतहरात से कि किसी के ताल्लुक से कोई हसद नहीं, कोई कीना नहीं, कोई कपट नहीं। कहती है सौदा रजी अल्लाह अन्हा इतने पाकीजा अखलाक की थी कि एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके इस पाकीजा अखलाक के ताल्लुक से फरमाया, सिवाय सौदा के किसी औरत को देखकर मैं दिल में ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि उसके जिस्म में मेरी रूह होती। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ा जुमला है अगर हम सोचें। क्या फरमाया हजरत आयशा ने रजी अल्लाह अन्हु अन्हा ने कि उन्हें देखती, जब भी मैं उन्हें देखती तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश उनके जिस्म में मेरी रूह होती। यानी इतने अच्छे अखलाक की थी कि वो चाहती थी कि उनके जिस्म में मेरी रूह हो ताकि मैं इतनी अच्छी हो जाऊं। इस तरह अल्लाह
الله أعلم. اتنا شيخ لاكي تيزد سودا رضي الله عنه كيونكي يه بوڑی تھی اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو باری اپنی دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی کیفیت کو بہت اچھی طرح جانتی تھی. اس طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت سعدہ رضی اللہ عنہ کا کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور ازواج متحد یا صفیہ شاید کوئی مجھے یاد نہیں ہے نام ان کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ بیٹھی ہوئی تھی. حضرت سعدہ رضی اللہ عنہ چلی آ رہی تھی کسی اور جگہ سے. دونوں نے طے کیا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی جو بھی تھی انہوں نے طے کیا کہ اب ان سے ہم کچھ مذاق کریں گے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ آ رہی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ دجال سے بہت ڈرا کرتی تھی دجال سے. تو جب وہ آ رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سودا دجال نکل پڑا. اتنا ڈر گئی حضرت سودا رضی اللہ عنہ اتنا ڈر گئی کہ وہ اپنے کمرے میں بھاگی دوڑی اور اندر سے دروازہ لگائی. پریشان بہت زیادہ پریشان تھی اندر سے دروازہ بند کر لیا اور یہ لوگ ہنس رہے تھے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے آئے پوچھے دریافت کیے کہ کیا ہوا حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ کیوں ہنس رہے ہیں. فرمایا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے ہم نے مزاح کیا. ہم نے کہا کہ دجال آیا ہے تو یہ ڈر کا اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا کہا سودا باہر آ جاؤ ابھی دجال نہیں آئے گا. یہ بات سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب محسوس کی حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے تب دروازہ کھولا اور کہا حالت دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کہ وہ پریشان حال ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے اس طرح پریشان اور کانپ اٹھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. یعنی ان کا زہد و تخوہ دیکھیے کہ وہ دجال سے اتنا ڈر گئی. جی یہ ہمیں یہ بات کا پتا چل رہا ہے کہ وہ دجال سے اتنا ڈرا کرتے تھے یعنی اندر سے تخوہ اور ان کے زہد تخوے کے تعلق سے اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ تخوے کی پیکر تھی. ہاں اسی طرح ان کی فرما برداری کیسی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح مانا کرتی تھی یا پھر اللہ کے احکامات کو کس طرح تسلیم کیا کرتی تھی اس کا پتہ لگائیں گے ان کی زندگی سے. کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سن 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کے مشرف ہوئی شرف حاصل کیا کہ انہوں نے حج کیا. یہ لمبی تھی موٹی تھی دراز تھی اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھی تیز نہیں چل سکتی تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی کے بعد روانگی سے پہلے ہی انہیں جانے کی اجازت دے دی. وہ چلی گئی تھی انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ سے تکلیف نہ ہو. حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب
तफकर के फरमाया, इस हज के बाद अपने घरों में बैठे रहना। इस हज के बाद अपने घरों में बैठे रहना। चुनांचे हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश ने इस हुक्म की निहायत सख्ती के साथ तामील की, अमल किया। दूसरी अजवाजे मुतहरात अदाए हज पर इस हुक्म का इतलाक करती थी, यानी हज के ताल्लुक से ही इस हुक्म को लिया करती थी कि दूसरी मर्तबा फिर हज ना करना कभी, इस तरह वो समझती थी। लेकिन हजरत सौदा बिन्त ज़मआन रजी अल्लाह अन्हा और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह अन्हा, इन दोनों ने इस हुक्म को क्या समझा, घर से बाहर ना निकले, मतलब घर से बाहर ना निकले, यही समझती थी। लेकिन दूसरी अजवाज ने क्या समझा कि हज की हुक्म की बात हो रही है। लेकिन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद भी सारी उम्र घर से बाहर ना निकली। हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा फरमाया करती, मैं हज और उमरा दोनों कर चुकी हूँ, अब खुदा के हुक्म के मुताबिक यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक घर से बाहर कभी ना निकलूंगी। उनके खुद के ये अल्फाज, अल्लाह बहुत बड़ी बात है मेरे और आपके लिए। छोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वकारन फी बुयूती कुन्न, ये आयत भी है, तुम अपने घरों को करार पकड़ो यानी उसी में रहा करो, अपने घरों से बाहर ना निकला करो, इस तरह के अल्फाज है इस आयत के, तर्जुमा यह है करो नबी फी बुयूति कुन्न, अपने घरों को करार पकड़ो, अपने घरों में रहा करो। इस हुक्म की तकमील हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने किस तरह अंजाम दिया है कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद कभी भी उन्होंने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, अल्लाह अकबर। और फरमाया कि मैंने हज भी कर लिया है और मैंने उमरा भी कर लिया है, दोनों कर चुकी हूं, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक अपने आप को रखूंगी, यानी मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलूंगी। ये थी मुख्तसर सी जिंदगी हजरत सौदा बिन्त ज़मआ रजी अल्लाह अन्हा की, जो मैंने मुताला किया था अपनी कम इल्म के होते हुए। इसके बाद अब हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा की वफात हो चुकी, यानी हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में 22 या 23 हिजरी में वफात पाई, कुछ कौल 22 के हैं और कुछ 23 के हैं, तो इसमें इख्तलाफ है, शायद 22 या 23। अहद खिलाफत यानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हु वफात पाई, और हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हु के जो बेटे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी कोई औलाद नहीं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हु की कोई औलाद नहीं थी, बल्कि इनके जो पहले शोहर थे हजरत सकरान के सल्ब से इनकी एक औलाद थी, यानी एक फर्जंद थे जिनका नाम अब्दुर्रहमान है, जो मैंने कहा कि उनके निकाह के वक्त बहुत ज्यादा गमगीन हुए और जब वो इस्लाम लाए तो अपने हाथ मलते रहे सारी जिंदगी, वही अब्दुर्रहमान। उन्होंने खिलाफत फारूकी में यानी उमर फारूक रजी अल्लाह की खिलाफत में जंग जलूला में शिरकत की और निहायत बहादुरी से लड़कर रुतबा शहादत पर फायज हुए, सुभान अल्लाह। यानी एक औलाद थी, एक फर्जंद थे जो कि हजरत सकरान से थे, पहले इस्लाम कबूल नहीं किए थे, बाद में इस्लाम कबूल कर लिए, फिर खिलाफत फारूकी में जज्बा शहादत था इनका जज्बा था कि मैं अल्लाह के राह में लड़ूं और मारा जाऊं, तो इसी तरह उन्होंने अल्लाह के राह में लड़ा और शहादत पाए, सुभान अल्लाह। और हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा से 5 अहादीस मरवी हैं।
सौदा रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ पांच अहदीस लिखी थी, एक सही सही बुखारी में है और चार सुनन अरबा में है। इनकी पांच हदीसें थी जो इन्होंने बयान की, जो कि एक सही बुखारी की है और चार सुनन अरबा की है। ये थी मुख्तसर सी हजरत सौदा बिनत जमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी जिंदगी से हमने कुछ सीखा है, इनकी फरमाबरदारी, इनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत से इनका ताल्लुक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील और इनकी सखावत और पर्दे के ताल्लुक से, इनकी वजह से पर्दे की आयतों का नाजिल होना और बहुत ही साले इनके अखलाक के ताल्लुक से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ुबानी हमने इनकी तारीफ भी सुनी, इनकी रहमदिली के बारे में सुना और अल्लाह के लिए इनके माल खर्च करने की सखावत के बारे में सुना, इनके मिजाज के बारे में सुना। रहमदिली के बारे में सुना और इनके ख्वाबों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच किया ये भी हमने सुना, कि इन्होंने ख्वाब देखा और वो ख्वाब सच हुआ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा बन गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इन माहों से अपने आप की इस्लाह करने वाला बनाए, क्योंकि ऐसी माएँ अगर हों आज के माहौल में, अगर ऐसी माएँ हों या फिर इनका थोड़ा सा झपका हमारे अंदर आ जाए, शायद औलाद भी बहुत अच्छी निकले। इमाम बुखारी, इमाम शाफई जैसे औलाद निकले, हो सकता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। सहाबियात सहाबा की तरह तो हम शायद बन नहीं सकते, उनका रुतबा तो हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जिंदगियों को पढ़कर, उनकी जिंदगियों को समझकर हम अपने अंदर कुछ कुछ उनकी मिठास तो पैदा कर सकते हैं। हम अपने हमारे अंदर एक जो बहुत ज्यादा कमी है वो ये है कि हम दुनिया अब जिस तरह चल रही है उस तरह जीना चाहते हैं, लेकिन हम इसके आगे पीछे ये नहीं सोचते कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जिनके नक्शे कदम पर हम जी रहे हैं, जैसे जो भी जिसको भी हम आइडियल बनाए, सीरियल्स की जो हीरोइंस होती हैं उनको हम अपना आइडियल बनाएं, उन जिस तरह पहनती हैं हम उस तरह पहनेंगे, जिस तरह वो उड़ती हैं हम उसी तरह उड़ेंगे, जो वो डायलॉग्स देती है वही हम डायलॉग्स यूज करेंगे। क्यों हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम इन अजवाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन के सीरतों को पढ़ें और उनको हम अपनी जिंदगी में ढालें, क्योंकि ये दुनिया, ये पाकीजा औरतें थी और जिनकी हम पैरवी करना चाहते हैं वो पाकीजा नहीं है, वो पाकीजा बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ उनको अपना आइडियल बनाया, हमारी नादानी है ये चीज, हमारी अकल में कमी आ गई, हमारी अखले मारी गई है कि हमने हमारे आइडियल्स, इतने अच्छे आइडियल्स को छोड़कर हम किसी और की पैरवी करें। कोई यूट्यूबर हमें पसंद आ गया और उसकी पैरवी करना शुरू करें, वही पहनना चाहेंगे, वही ओढ़ना चाहेंगे। ये हम क्यों नहीं सोचते कि हमारी माएं, तमाम मुस्लिमीन की माएं जो की थी वो हम क्यों ना करें, हमें चाहिए कि हम करें, ताकि हम कामयाब व कामरान जिंदगी जी सके और आखिरत में भी हम ऐसा मुकाम व मर्तबा पा सकें जो उन्होंने पा लिया है। हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा कमी ये होती है कि शौहर अगर नेक ना मिला, उनके तो शौहर नबी थे इसलिए
अजवाज मुतहरात अच्छी थी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिरौन की बीवी भी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में खुद दी। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें तो नबी थे, उनकी बीवी क्या की, जहन्नम के मुस्तहिक हो गई। शोहर को संवारना सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी, अगर कोई सही ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सवाल सुना है, शिकायत सुनी है कि ये करने की इजाजत नहीं होती, शोहर सख्त है, दीन में नहीं है, इस तरह के बहुत सारे शिकायतें मैंने सुनी है, इस वजह से मैं ये बात कर रही हूँ। तो ये सही नहीं है, हम अच्छे बनेंगे तो वो खुद ब खुद अच्छे बनेंगे। तमाम जिम्मेदारी जो घर की होती है वो औरत पर है, औरत जब सही है तो घर पूरा सही। तो हमें इन अजवाज मुतहरात से एक बीवी होने के नाते बीवी की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उससे हम ये इन अजवाज से हम अपनी जिंदगियों को निचोड़ सकते हैं। और एक माँ होने के नाते भी हमें माँ की बच्चों की तरबियत कैसा करना है, उसके लिए भी हम इनकी जिंदगियों से निचोड़ ले सकते हैं। हर तरीके से हम इनको अपना आइडियल बना सकते हैं, लेकिन कमी है तो हमारे इल्म की, हमारे दीन की, हमारे पढ़ने की, हमारी मालूमात हासिल करने की कमी है। हम मालूमात हासिल करेंगे तो हो सकता है हमारे दिल में भी वो शौक, वो जज्बा पैदा हो कि हम इनकी तरह बने, हम भी कुछ इस तरह बने और हम अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह। आइए यहाँ से हम अज़्म करके उठते हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे, हम टीवी सीरियल के हीरोइन को अपना आइडियल नहीं मनाएंगे, हरगिज हरगिज नहीं मनाएंगे बनाएंगे, बल्कि हम अज़वाज मुतहरात या और भी जो सहाबियात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहनें, शहजाद बहनें हैं, जो भी हमारी आइडियल सहाबियात है, उनको हम अपना आइडियल और नमूना बनाएंगे, बरखिलाफ इसके जो हम यूट्यूब में देखते हैं। अल्लाह हमको महफूज रखे, उनको हम आइडियल ना बनाएंगे और हम अज़वाज मुतहरात को अपना आइडियल और नमूना बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ये ताकत दे, हमें ये शौक दे, हमें ये जज्बा दे कि हम अपने आप को बदलें, मैं भी अपने आप को बदलूं। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने आप को बदलूं और इन अज़वाज की तरह, इन उम्महातुल मुमिनीन की तरह अपने आप को बनाऊँ, और हम सबको भी तौफीक दे अल्लाह कि हम अपने आप को इनकी तरह बनाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी मुख्तसर सी जिंदगी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की। आगे आपके सामने और भी अज़वाज मुतहरात और उम्महातुल मुमिनीन के ताल्लुक से बातें रखी जाएंगी, और हर किसी से हम एक एक चीज अपने अंदर ला लें, जैसे 11 बीवियां हैं, 11 बीवियों की एक एक हर सबके जैसा सेम बनना अगर ना हो सके तो एक एक सिफत, हर एक की एक एक क्वालिटी हम अपने अंदर ला दें तो 11 क्वालिटी हमारे अंदर आ गई। ये आप लोग अपना एक एम बना लें कि मैं हर उम्महातुल मोमिनीन की एक एक सिफत अपने अंदर लाने की कोशिश करूंगी, तो हो सकता है हमारी बहुत सारी आदतें अच्छी हो जाए इंशाल्लाह। क्योंकि हम औरतें हैं और औरत के लिए एक आइडियल भी औरत होनी चाहिए, तो ये इनसे अच्छी और आइडियल हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.